नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। देश में पूरी तरह से लॉकडाउन के बाद राम भवन में फंसे दर्जनों बंजारनों के बीच एकंगर सराय के सामाजिक संगठनों ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। खाद्य सामग्री का वितरण होने से बंजारनों में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। बंजारनों ने कहा कि एकंगर सराय के सामाजिक संगठन लक्ष्मण कुमार एवं पिंटू जैन के सामाजिक पहल से राशन उपलब्ध कराया गया है। लॉकडाउन के बाद हम लोगों की हालत बद से बदतर हो गई थी। घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को कभी भुंजा खिलाकर सुलाना पड़ता था। सामाजिक पहल से 100 किलो चावल, 100 किलो आटा, आलू, दाल, नमक सहित कई प्रकार के खाद्य सामग्रियों का मिलने से उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बंजारनों ने कहा कि हम लोग प्रवासी मजदूर हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ रहकर गाना गाकर बजाकर कपड़ा की फेरी कर हम लोग परवरिश करते हैं। लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से हमारा काम भी बंद हो गया है, जिसके कारण हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन मिल गया? जी सर, हम लोग के जैसे कि मतलब सहायता मतलब कंगा एक कंकर सराय के आदमी जैसे कि 100 किलो चावल, 100 किलो आटा है, परुआ तेल है, आलू है और मतलब सब चीज है, प्याज है। हम लोग के जैसे कि आज हम लोग के घर में चूल्हा चलेगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना लोग थे आप लोग? 50। 50 हजार? जी। आज आप लोग का दिल खुश है ना? बहुत खुश है सर। कहाँ से आप लोग थे यहाँ आए हुए? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी, लग रहा है कि आज चूल्हा जलेगा एकदम पूरा। लॉकडाउन पार हो जाएगा? पार हो जाएगा सर, आप लोग का दुआ से।